Hi. Huh? हमेशा सावधान, हमेशा तैयार। तुम्हारी इमरजेंसी क्या है? मेरी पतंग एक पेड़ पर फंस गई है। तुम्हारी पतंग? ये तुम्हारी इमरजेंसी है? पर वो तो बहुत ऊंचाई पर है। क्यों ना तुम आसपास खड़े किसी जिराफ की मदद लो। सॉरी, पर तुम्हारी पतंग मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और वैसे भी हम जिराफ को तुम बौने की मदद करने का कोई शौक नहीं है, ठीक है? तो तुम दोनों भी मेरी मदद नहीं करोगे? नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत कहो। बिल्कुल फिक्र मत करो, हम मदद करेंगे। सही कहा, टेन और टेन के लिए एक और मिशन, और वो भी काफी ऊंचा। मैं पतंग को देख सकती हूँ, वो बहुत ऊपर है। तो नीचे कैसे आएगा? हमें किसी तरह उस जिराफ को हमारी मदद करने के लिए लाना होगा। अगर हम उसे बताएं कि वो तुम्हारी पसंदीदा पतंग है तो। अरे छोट बटले, ये किसने कहा? इधर देख छुटकू। ओह सॉरी, मैं भूल गई कि तुम्हारी गर्दन बस थोड़ा सा ही मुड़ सकती है। शांत हो जाओ एरिक, मैं उसे मनाती हूँ। वो ट्रिकी है, मैं उससे पूछ चुका हूँ, उसने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है वो काफी अकड़ू है। हो सकता है उसने तुम्हारी बात ना सुनी हो। मुझ पर छोड़ दो, मुझे पता है जिराफ को कैसे मनाते हैं। हेलो हेलो ट्विकी। ये अजीब सी आवाज कैसी? जरूर कोई मच्छर होगा। तुमने देखा, उसने ध्यान भी नहीं दिया। शायद मुझे और जोर से बोलना चाहिए। ट्विगल, हे ट्विगल, हमारी मदद कर सकती हो? हमें वो पतंग चाहिए। क्या तुम उसे निकाल सकती हो प्लीज? कितनी तकलीफ हो रही है। कहा था ना, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ओके? और हाँ बटलू, तब आना जब तुम्हारी गर्दन थोड़ी लंबी हो जाए। तुम गलत थे एरिक, वो जिराफ अकड़ू नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा अकड़ू है और बिल्कुल अच्छी नहीं है। कितने दुख की बात है, सिर्फ वो ही पतंग निकालने में मेरी मदद कर सकती थी। नहीं, सिर्फ वो नहीं है, दूसरे जानवर भी मदद कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो बौना गिरगिट तुम्हारी अच्छी तरह से मदद करेगा। देखते हैं लाइफ की बड़ी बुक क्या कहती है। सब तैयार है? जंगल के सबसे बड़े जानवर हाथी होते हैं और उनकी बहुत लंबी सूंड होती है। माफ करना, पर वो किसी जिराफ की सुंदर गर्दन की बराबरी नहीं कर सकती, ओके? सिर्फ तुम्हारे पास ही लंबी गर्दन नहीं है ट्विगी, शुतुरमुर्गों के पास भी लंबी गर्दन होती है। वो पंख वाले बेवकूफ मेरे घुटनों तक भी नहीं पहुंच सकते। चिंपैंजी ज्यादा लंबे नहीं होते, पर वो बहुत तेज होते हैं और मिलकर काम करते हैं। वो बाल वाले बंदर कभी उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुँच सकते जितनी मैं पहुँच सकती हूँ। ट्विगी को कुछ हो गया है क्या? क्या ये डांस कर रही है? नहीं, ये डांस नहीं कर रही, शायद इसके गले में इसकी च्युइंगम अटक गई है। ये तो सच में इमरजेंसी है। पानी, जल्दी, ट्विगी पानी मांग रही है, हमें पानी चाहिए। ट्विगी की मदद करनी होगी।
तुमने मेरी जान बचाई। आज से पहले इतने छोटे जानवर ने कभी भी मेरी मदद नहीं की थी। शुक्रिया एरिक, और पहले मदद ना करने के लिए माफी चाहती हूँ। मैं काफी अकड़ रही थी। मेरी पसंदीदा पतंग। ये उड़ रही है, ये उड़ रही है। अरे नहीं, फिर से नहीं, ट्विगी। हेलो, क्या तुम हो टेन और टेन? हमेशा सावधान, हमेशा तैयार। क्या है आपकी इमरजेंसी? फोटो फोटो। ओ, मुझे बहुत पसंद है। ओह सॉरी, मेरा नाम रॉय है और मैं छुट्टी के लिए आया हूँ। मुझे जगह घूमने के लिए एक टूरिस्ट गाइड चाहिए। हम आपको एक छोटा सा टूर दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लग रही है। ओह, खाने का वक्त हो गया। ये बात, अब मैं अपने टूर के लिए तैयार हूँ। पर जल्दी मिलेंगे। जो भी हो, फिक्र मत करो, हम मदद करेंगे। सही कहा टिन, टिन और टैन का एक और मिशन, और वो भी टूरिस्ट वाला। मुझे लग रहा है कि रॉय आसपास ही है। हेलो किया, तुम क्या कर रहे हो? मैं उस भालू पर नजर रख रही हूँ। उसका नाम रॉय है। तुम उसे जानते हो? हाँ, वो छुट्टी पर आया है। हम उसे रिजर्व के आसपास घुमाने वाले हैं। क्या मतलब तुम घूमने वाले हो? वो रास्ते में आने वाली हर चीज खराब कर रहा है। हमें उसे रोकना होगा। रिलैक्स किया, थोड़ी गहरी सांस लो। चलो चलो। हाँ, हाँ, ठीक है। ओ बढ़िया, देखा, मुझे यकीन है ये इतना खराब नहीं है। देखते हैं वो क्या कर रहा है। ओ नहीं, वो सच में कचरा फैला रहा है। मैंने कहा था ना, जब से वो आया है वो यही सब कर रहा है, बस कचरा फैला रहा है। अब उसे मेरी बात सुननी होगी। किया, नहीं रुको, तुम इतने गुस्से में उससे बात नहीं कर सकती हो। चलो रिलैक्स करो और सांस लो। हाँ, हाँ, ये सच है। तुमने ठीक कहा था टैन, मैं गुस्से में थी और मैं भालू को यहाँ से नहीं निकालूंगी। तुम दोनों ये करोगे। हाँ? नहीं किया, रॉय को कोई भी नहीं निकालेगा। हो सकता है उसे अपनी गलती का एहसास ही ना हो। मैं उससे बात करती हूँ। एक्सक्यूज मी रॉय, रॉय। ओह, मेरे टूर गाइड्स, तुम आ गए। फोटो फोटो फोटो। गाइड नहीं, हम कचरा रोको टीम है। और तुम बहुत मुसीबत में हो भालू। मैं? पर मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया है? अपने आसपास देखो। तुम्हें कुछ अजीब नहीं दिख रहा है रॉय? शायद मैंने थोड़ी गंदगी फैलाई है यहाँ पर। बिल्कुल, और अब जब तुमने देख लिया है तो इसे साफ करो। नहीं, मैं तो छुट्टी पर हूँ। पारी पारी, यहाँ मजे करने के लिए कहाँ जाते हो? इस भालू को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं इसकी नस्ल ही तो ऐसी नहीं है। देखते हैं लाइफ की बड़ी बुक में पोलर बेयर्स के बारे में क्या लिखा है। सब तैयार है? पोलर बेयर्स दुनिया की सबसे ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं, जो है नॉर्थ पोल। हाँ, मैं गर्मियों में छुट्टी मनाना चाहता था। यह लिखा है कि वो दुनिया के सबसे बड़े मांसाहारी जीव होते हैं। ये सच है, मुझे खाना बहुत पसंद है। और वही वो बहुत अच्छे तैराक भी है, हालांकि वो काफी आलसी होते हैं। मुझे थकना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए यहाँ भी मैं एक आइसबर्ग पर लेट कर आया हूँ। इसमें लिखा है कि आइसबर्ग आइस कैप्स के पिघलने से बनते हैं।
पिघलने से? तुम ये कहना चाहते हो कि मेरा घर पिघल रहा है? मुझे ऐसा ही लगता है रॉय। पर कैसे और क्यों? क्योंकि हम ग्रह की देखभाल नहीं कर रहे हैं। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरी बात है। अब तुम समझे कि हम क्यों नहीं चाहते कि तुम हमारे घर में कचरा फैलाओ। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे माफ कर दो, मैं अभी सब कुछ उठा लेता हूँ। मैं और क्या कर सकता हूँ? यार, तुम जंगल की देखभाल करने में माहिर हो। मुझे यकीन है तुम्हारे पास रॉय के लिए आइडिया होगा। बिल्कुल है। ध्यान दो छोटे भालू। पृथ्वी को तुम्हारी और मेरी है जरूरत, जैसे पेड़ को होती है उनकी शाखा की। करो रिसाइकल प्लास्टिक, ग्लास और कैंस। करो थोड़ी मदद अपने कुदरत की। जमीन पर पड़ा कूड़ा उठाया करो। गाड़ी से कम सफर, ज्यादा चला करो। करो लाइट बंद, ज्यादा साइकिल चलाओ। मिलकर करो कुदरत की देखभाल, तभी होंगे सबके अच्छे हाल। या, या, या। अब मुझे पता है कि अपने घर की देखभाल कैसे करनी है और पूरे ग्रह की भी। अब मैं तैर कर वापस जाऊंगा ताकि समुद्र गंदा ना हो। बहुत अच्छे रॉय। इस सब के लिए शुक्रिया दोस्तों, ये मेरी सबसे अच्छी छुट्टी थी, मजा आ गया। टिन और टैन ने एक और मिशन पूरा कर लिया। फोटो फोटो। Heh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